हेलो फ्रेंड्स, मैं नदीम आपका दोस्त अपने बिग स्टार ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं अपने वर्क की तरफ। आज हम जानेंगे कि हेलिंग ब्रश टूल का यूज़ कैसे करते हैं और उसमें छिपे ब्रश टूल का यूज़ कैसे करते हैं, और हम ब्रश टूल का यूज़ जानेंगे, उसके बाद पेंसिल टूल का यूज़ जानेंगे, और फ्रेंड्स उसके बाद हम जानेंगे क्रोन टैम्प टूल के बारे में, पैटर्न टूल, स्टम्प टूल के बारे में। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वर्क की तरफ। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन के प्रेस करने के बाद मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। उस पर मैं उसका नाम टाइप कर देता हूँ, जस्ट ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ। मैंने एक सिंपल सी पिक्चर ले ली है। फ्रेंड्स, आज हम हेलिंग टूल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हेलिंग टूल का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को वहाँ से पिक कर लेना, उठा लेना, कॉपी कर लेना और उसको कहीं पर भी जाके पेस्ट कर देना विदाउट शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल सी या कंट्रोल वी या एडिट में जाके सी की, जो भी आपको करना है वो कुछ नहीं करना होता। हेलिंग टूल का यूज होता है जस्ट हम टैब, सॉरी दोस्तों, एल्ट बटन के साथ, एल्ट बटन जो होता है हमारा कीबोर्ड में, उसको प्रेस करने के बाद जस्ट हम माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हैं तो उसको पिक कर लेता है, टेक कर लेता है दोस्तों। और उसके बाद हम एल्ट बटन की को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद दोस्तों हम जैसे ही माउस की लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करेंगे वो वहीं पर उसको पेस्ट कर देगा। आइए चलते हैं, देखते हैं इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने हेलिंग टूल पर क्लिक किया। हेलिंग टूल पर क्लिक करने के बाद वो टूल मेरे साथ आ गया है। दोस्तों, हमें जितना भी एरिया लेना होता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं पिक्सल के हिसाब से, जितना भी हमको चाहिए। फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट जैसा कि मुझको ये लाइक का बटन चाहिए, अब मुझे लाइक का बटन लेने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एरिया लेना होगा कि कितना एरिया ले लें हम, कहाँ तक का हम उसको लेना चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम अपने हेलिंग टूल का यूज़ कैसे करेंगे। मैंने हेलिंग टूल ले रखा है पहले से ही, मैं जस्ट जहाँ पर भी हमें जिस चीज़ को भी हमें पिक करना है, कॉपी करना है, जो भी करना है, जस्ट हम वहाँ पर जाकर एल्ट क्लिक दबाएंगे। एल्ट क्लिक दबाने के बाद जो हमारा माउस का जो पहले कर्सर का निशान था वो तब्दील हो गया है, वो बदल चुका है। उसके बाद हम माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं, जस्ट उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद फ्रेंड्स, हम जहाँ भी चाहें वहाँ उसको माउस के लेफ़्ट क्लिक से पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पर दोस्तों मैंने उसको पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, जहाँ भी आप चाहो वहाँ कर सकते हो। दोस्तों, हम चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसा का वैसे ही हो जाए, जस्ट हम देखते हैं क्या करते हैं। मैंने हेलिंग टूल पर पहले से ही प्रेस कर रखा है, पहले हमने यहाँ से कॉपी किया था कुछ, अब मुझको यहाँ जैसा पहला था सेम ऐसे ही करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ और एल्ट की दबाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ। और अब दोबारा से जाकर जहाँ पर मुझको जैसा भी करना है वहाँ पर जा करके मैं लेफ़्ट क्लिक दबा देता हूँ, यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक दबा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक दबाता हूँ तो कलर और आएगा, ये मैंने कर दिया है। दोस्तों, जैसे जैसे आप करते रहोगे, जहाँ का आप कलर ले लोगे सिम, वहाँ से ही वो उस कलर को कर देगा। दोस्तों, मैं एल्ट कंट्रोल एल्ट जेड की प्रेस करने के बाद मैं जैसे ही वो मेरी पिक्चर पहले थी वैसे ही होगी। अगर दोस्तों आप चाहेंगे वैसे ही रहे जैसा अभी हमने हेलिंग टूल से कॉपी करने के बाद ये क्या था, तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं पेस्ट टूल की तरफ, लेकिन आपको इससे पहले मैं हेलिंग टूल का एक दफ़ा और बता देता हूँ। मैंने हेलिंग टूल पर यूज़ किया, हेलिंग टूल पर यूज़ करने के बाद मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझको ये लाइक का या सब्सक्राइब का, ये अनलाइक मुझे बस इतना ही चाहिए या सब्सक्राइब मुझे इतना चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैं कहीं पर भी इसको माउस का लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, जहाँ से भी आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ये करके दिखा रहा हूँ, अब हमको चाहिए कि जो भी है वो सेम हट जाए,
जैसा पहला था सेम मैसेज आ जाए तो आपको मैंने शॉर्टकट की बता रखी है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जेड प्रेस करेंगे तो हम जैसे आए थे सिंपल वैसे ही वापस हो जाएंगे। लेकिन मुझको वैसे वापस नहीं होना, मैं चाहता हूँ कि हेल्प टूल से ही मैं इसको जैसा पहला था ऐसा करना चाहूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर एल्ट क्लिक करता हूँ, एल्ट क्लिक के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो इन्हें यहाँ का कलर जो है वो पिक कर लिया है। और जैसे जैसे मैं इन पर क्लिक करता जाऊँगा वो वैसे वैसे ही वहाँ कलर छोड़ता जाएगा जैसे हमने पिक किया था। दोस्तों जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे आप प्रैक्टिकल इसका करके देखोगे, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। फ्रेंड इसके बाद चलते हैं हम पेस्ट टूल की तरफ। पेस्ट टूल इनकी सभी की जो शॉर्टकट की है वो सिंपल जे है, जे प्रेस करने के बाद ही खुद ब खुद आ जाएंगे। मैंने पेस्ट टूल या पेस्ट टूल का यूज़ किया है। दोस्तों हमने सीखा था मार्की टूल के, मार्की टूल से कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम कैसे कॉपी करते हैं, कहाँ पर पेस्ट करते हैं। सेम इसका भी कुछ ऐसा ही कार्य है, जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट टूल लेने के बाद मैं कोई एरिया मैंने सेलेक्ट किया, उस एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट कंट्रोल सी करता हूँ और जस्ट वहीं पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। और मैं मूव टूल पर जाने के बाद इसको ड्रैग करके देखता हूँ तो ये आ गया है फ्रेंड्स। तो आपने जाना कि हम हेलिंग टूल का और पेस्ट टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कि ब्रश टूल का और पेन टूल का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों ब्रश टूल और पेन टूल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम एक ही काम करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि वो काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोस्तों सबसे पहले हमें कोई पिक ले लेनी है। मैंने एक पिक्चर ले लिया है, ये पिक्चर लेने के बाद फ्रेंड्स मैं देखता हूँ, मैंने क्रॉप टूल से इसको काट लिया, जितना एरिया मुझको चाहिए वो मैंने एरिया ले लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या होता है। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि जो इसकी बैकग्राउंड है, जो मैंने पिक्चर बनाई है, मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता हूँ। तो हम ब्रश टूल से कर सकते हैं क्योंकि हम ब्रश टूल से पेंटिंग करते हैं, तो देखते हैं ब्रश टूल से हम क्या करेंगे। हमने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, ब्रश टूल सेलेक्ट करें चाहे पेंसिल टूल सेलेक्ट करें, सेम दोस्तों इनमें फ़र्क कुछ नहीं है। हम जस्ट जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं वही टूल हमारा आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। जस्ट मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल देखने के बाद मैं ऑप्शन बार में आता हूँ। ऑप्शन बार में मैंने देखा कि ब्रश टूल में और बहुत सारे हैं, जो उन सभी आप पिक करना चाहो, जो उन सभी आप लेना चाहो, जैसा करना चाहो। मुझको ये स्टार ले लिया है मैंने, स्टार लेने के बाद मैं यहाँ से कलर का चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक का ये कलर हो जाए और एक का यही रहने दें। नीचे का मैं थोड़ा सा इसका मार्जिन इसका बढ़ाता हूँ। बढ़ाने के बाद जस्ट जैसे जैसे मैं इसका क्लिक जहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा, कलर चेंज करता जाऊंगा, वहीं वहीं जैसा मैं चाहूंगा वैसा होता चला जाएगा फ्रेंड्स। माउस का सिंपल लेफ्ट क्लिक में प्रेस कर रहा हूं। आप बहुत अच्छी पिक बना सकते हैं प्रैक्टिकल करने के बाद। आप अगर वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो। मैं जस्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं एक सिंपल पेज पर कोई ड्राइंग, कोई पिक्चर बनाना चाहता हूँ। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम कोई गार्डन बनाने की सोचते हैं कि हल्का सा कहीं गार्डन दिखाई दे, कहीं फूल पत्तियाँ दिखाई दें, वो हम करके देखते हैं। तो सिंपल गार्डन में सबसे पहले ग्रास होती है। अब ग्रास में मैं जाता हूँ, मैंने ग्रास ले ली है। ग्रास लेने के बाद मैं जस्ट यहाँ का कलर लेता हूँ। कलर मैंने ग्रीन ले लिया है, डार्क ग्रीन ले लिया है। और मैं इसको लाइट ले लेता हूँ, थोड़ा लाइट लेने के बाद मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने साइज़ इसका बढ़ा लिया है। अब मैं देखता हूँ, जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करता जा रहा हूँ, वैसे ही वैसे हमारे पेज पर कार्य होता जा रहा है। वो जो हमने ग्रास सेलेक्ट की थी वो आ रही है। फ्रेंड्स आप बहुत बेटर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहां से हटके मैं कोई और ले लूं। मैंने ये ले लिया, इसको लेने के बाद फ्रेंड्स
जैसा भी आप चाहें वैसे ले सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने ये ब्रश का ये वाला ऑप्शन ले लिया है। इसके लेने के बाद मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा कर देखता हूँ फ्रेंड्स। मैंने वो साइज़ बढ़ा लिया है। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ये आ जाए और नीचे वाली कलर जो मैं इसको ये ले लेता हूँ। अब मैं जैसे ही माउस को लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता हूँ माउस का, वैसे ही वैसे एक शानदार सी पिक बनती आ रही है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ से कुछ और लेना चाहता हूँ। जैसा भी आप चाहें, जो चाहे मन चाहे कार्य आप इसमें कर सकते हैं। जैसा आपको बनाना है वो सिंपल वैसा ही आप बनाते चले जाओगे। मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। फ्रेंड्स ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा फ्रेंड्स, इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पिक्चर बना सकते हैं जैसे आपके माइंड में चाहे, क्योंकि हर किसी का जो माइंड होता है अलग कार्य करता है फ्रेंड्स। जैसे आप इसको यूज़ करोगे, ये इतना प्रैक्टिकल करोगे इतना आप इसको अच्छा बना सकते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं फ्रेंड्स। आपने जाना कि हम ब्रश टूल का कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल वैसे ही हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। क्यों, मैं पेन टूल पे मैंने ले लिया, क्लिक कर दिया। अब मैं ऑप्शन में खोल कर देखता हूँ तो वही सब जो हमारा ब्रश टूल के अंदर था वही कार्य इसमें है फ्रेंड। इसमें ब्रश टूल में या पेन टूल में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर ब्रश टूल पे जाते हैं, ब्रश टूल के ये हमको जो हमने ये इनमें से कोई चूज़ किया था हमें ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर एक एरो निशान पर जाते हैं। एरो निशान पर जाने के बाद यहाँ देखते हैं जो भी हमारे टूल होंगे वो खुल जाएंगे। ड्रॉप शैडो पर मैंने क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद देखता हूँ मैं कि कलर यहाँ से वो जो ब्रश थे वो चेंज हो गए हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर हमें दोबारा से वही चाहिए या कोई और चाहिए तो हम जस्ट ऐसे ही क्लिक करते चले जाएंगे और मुझको ये चाहिए, हमने ये लेना है, लोड किया और उसके बाद देखता हूँ तो ये चेंज हो गए हैं। हमको चाहिए कि हमें वही ग्रास वाला चाहिए था, और हम यहाँ पर जाकर उसको सर्च करते हैं तो वो हमको कहीं अगर नहीं शो हो रहा है, कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है और हम उसको ही लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, जस्ट हम ढूंढते हैं लेकिन हमको वो नहीं मिल रहा। जस्ट हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। नॉर्मल में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें करना होगा कि जैसे ही हमने ब्रश टूल पे यूज़ किया था और हमने इसके बाद ये ले लिए हैं ऑप्शन, इनमें से हमने कोई सा भी ऑप्शन ले लिया था, उसके लेने के बाद हम जो हमने ब्रश टूल पे ग्रास वाले पे कार्य किया था हमको वही चाहिए अगर, और हमने ढूंढ रहे हैं यहाँ पर हमें वो नहीं मिल रहा है, तो हम फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, सिंपल इसमें कहीं रीसेट लिख रहा होगा वो ढूंढते हैं। इसमें कहीं रीसेट आ रहा हो शायद, हाँ ये रहा फ्रेंड्स, ये ब्रश रीसेट ब्रश, रीसेट ब्रश पर हम अगर क्लिक करते हैं फिर ओके करते हैं और जस्ट देखते हैं कि वो आया नहीं आया, तो सेम वही ग्रास वाला आ गया है फ्रेंड्स। इस तरीके से बस मुझको आपको ये समझाना था, बताना था कि हम इसमें से कोई सा भी टूल ले सकते हैं फ्रेंड्स। पेन टूल में भी यही कार्य है और ब्रश टूल का भी यही कार्य है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ क्रोन टैम्प टूल के बारे में, इसका क्या कार्य है फ्रेंड्स। अभी हमने जाना था कि हमने हेलिंग टूल से क्या किया था, हमने हेलिंग टूल से क्या था कि अगर मुझे थोड़ा मैं साइज ले लेता हूँ, कर्सर का बड़ा कर लेता हूँ, जो यहाँ पे है ये यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से कॉपी करना है, तो एल्ट के साथ मैं कॉपी माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ और कहीं पर भी जाकर मैं माउस को दोबारा से लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो वही वहाँ पर कॉपी हो जाती है। ये हमने हेलिंग टूल से जाना था, हेलिंग टूल ये कार्य करता है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा क्लोन टैम टूल है, जो हमारा क्लोन टैम टूल है फ्रेंड्स सॉरी, ये भी हमारा सेम वैसे ही कार्य करता है जैसे अभी हमने हेलिंग टूल से किया था। मैं जस्ट वहाँ पर जाता हूँ और जाने के बाद इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। साइज़ बड़ा करने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ और जैसे ही एल्ट क्लिक प्रेस करता हूँ, एल्ट क्लिक प्रेस करने के बाद सिंपल हमारा जो हमारा सिंबल था माउस के वो चेंज हो चुका है। मैं जैसे ही माउस के लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ और कहीं पर भी जाके एल्ट छोड़ने के बाद मैं उसको प्रेस दोबारा से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो सेम वही कार्य कर रहा है जो हमारा हेलिंग टूल कर रहा था फ्रेंड। इसके बाद इसके जो अंदर है
वो है पैंडम स्टेम टूल। इसका हम यूज़ कैसे करेंगे फ्रेंड, इसका यूज़ होना करना होता है कि जो अभी हमने कार्य करा उसको रफ़ करने के लिए, यानी कि बैकग्राउंड ये जो हमने अभी कार्य किया उसको सबको ये रफ़ कर देगा। देखते हैं कैसे करेगा। हम जस्ट उसको क्लिक करते हैं, थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। मैंने इसका साइज़ बढ़ा लिया और मैं जस्ट जैसे लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये अब फ़िलहाल कार्य करने लगा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमने किया था वो सिंपल सभी को ख़त्म करता जा रहा है। जैसे जैसे आप फिरते रहोगे ये थोड़ा लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद स्लो चल रहा है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम कुछ और भी कार्य कर सकते हैं। अभी हमने जाना हेलम टूल के बारे में जाना, ब्रश टूल के बारे में जाना, पेन टूल के बारे में जाना, पेस्ट टूल के बारे में जाना और इस टूल के बारे में जाना फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें कोई अच्छी पेंटिंग बनानी है तो उसके लिए हमें फ्रेंड्स क्या करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें करना होगा कि वीडियो देखने के बाद उसका प्रैक्टिकल, अगर हम वीडियो का प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको लगता है हमने वीडियो देखा कि चलो शाम को कर लेते हैं या सुबह को कर लेंगे या मॉर्निंग नून में कर लेंगे दोपहर में, तो फ्रेंड्स हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम टाइम ही नहीं देना चाहते। जब हम टाइम ही नहीं देना चाहेंगे तो फ्रेंड्स हम कर कहाँ से पाएंगे। फ्रेंड्स अगर हमें करना होगा, कुछ भी कार्य करना होगा, तो हमें थोड़ा उस पर मेहनत करनी होगी, हमें उसे प्रैक्टिकल करना होगा फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे वैसे हमें बहुत खूबसूरत हम पिक्चर बना सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझको मालूम होता रहेगा कि मेरी जो वीडियो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हो रही हैं फ्रेंड्स, तो मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियो नई अपलोड करता हूँ वही आपके मेल पर सेंड होती जाती हैं और आप वहीं से उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपकी जो कमेंट हैं वो कमेंट कीजिए, मैं जस्ट उसका रिप्लाई करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।